नमस्कार दोस्तों, आज हम घोड़ों को दाण में क्या क्या खिलाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे कि घोड़ों को क्या खुराक दे तो उसका ग्रोथ अच्छा हो। तो आइए देखते हैं। इसमें मैंने जौ, बाजरा, गेहूँ, मग, मठ, मक्के का प्रमाण बहुत ही कम है, सबको पीस कर उसका ये दलिया बना दिया है। मैं आपको एक घोड़े के खुराक के बारे में आज बताऊंगा जो मैं देता हूँ सुबह शाम। आप अपने बजट के हिसाब से कम ज़्यादा दे सकते हो। तो ये वो हो गया। उसके बाद ये चने है, तो ये चने मैं अलग से रखता हूँ क्योंकि घोड़ों को जितने चने खिलाए उतना बेटर रहता है। अब इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ जिससे घोड़ों की ग्रोथ अच्छी हो और उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत होगा। तो इसके लिए कैल्शियम आप अपने अनुसार अपने हिसाब से ला सकते हो। आप देख सकते हो मैं हर बार अलग अलग कैल्शियम का यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, तो इसमें कैल्शियम डालते हैं। मैं कैल्शियम दोनों टाइम देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। कैल्शियम डाला, उसके बाद हिमालय बत्तीसा पाउडर जो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये मैं तो अगर आपको बता दूं कि आप हफ्ते में 2-3 बार डाल सकते हो, लेकिन मैं ये एक चम्मच है वो हर सुबह शाम को एक टाइम मैं देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि घोड़ों की पेट की समस्याएँ नहीं आती है और उसका डाइजेशन अच्छा रहता है। और इसमें आप हल्दी भी मिला सकते हो कभी कभार, हफ्ते में एक आध बार, या फिर नमक भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा रहता है। उसके बाद ये प्रोटीन पाउडर है जिससे घोड़े का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये मिला दिया। उसके बाद मैं गुजरात से हूँ तो हमारे यहाँ क्या होता है कि गर्मी में हम घी खिलाते हैं, देसी घी, और ठंड हो या बारिश की ऋतु हो तो हम सरसों का तेल खिलाते हैं। तो ये घी है, ये सरसों का तेल है, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो क्या है कि आज हम घी डालेंगे, ये कप का नाप है, ये भर के घी भी देता हूँ और सरसों का तेल भी देता हूँ। ये सिर्फ शाम को ही देता हूँ, एक टाइम, दोनों टाइम नहीं देता हूँ। ये सब कुछ तो देता ही हूँ, सिर्फ ये घी या तेल या फिर हिमालय बत्तीसा वो मैं शाम को एक ही टाइम देता हूँ। और ये जो दाना है वो दोनों टाइम सेम रहता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, तो हो गया है। अब आप इसमें हल्दी या फिर नमक भी डाल सकते हो। तो फिर चलिए अब हम इसको ज्वार की कुट्टी में मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो ये है ज्वार की कुट्टी, हमने पानी में भिगो कर रखी है क्योंकि साफ हो जाए। हर कोई जो हॉर्स लवर होता है वो घोड़ों को अच्छा खुराक देता ही है, लेकिन क्या है कि अच्छा खुराक दूंगी लेकिन साफ नहीं दूंगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि इसमें मिट्टी भी आती रहती है और घोड़ों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है कि हम उसको अच्छी तरीके से धो देते हैं। इसमें निकाल दिया क्योंकि पूरी तरीके से पानी निकल जाए। अब इसको इस बर्तन में डाल देंगे। अब ये जो भी दाना है ये इसमें मिला देंगे। आप अपने बजट के हिसाब से खिला सकते हो, मेरा तो ये रेगुलर का शेड्यूल है, एक घोड़े की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अच्छा दान पानी दे तो फिर उसको एक्सरसाइज भी देना ज़रूरी होता है। और काफ़ी मित्र बोलते हैं कि भाई अपना घोड़ा अच्छी तरीके से तगड़ा नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करें। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि घोड़ों में कीड़े की समस्या ज़्यादा होती है पेट में, तो उसके लिए आप हाईटेक गोली का यूज़ कर सकते हो जो हम हर 3 महीने में एक बार देना ही चाहिए। 3 महीने में उसको ज़रूर दो, ठीक है। आप हाईटेक या फिर कोई भी कीड़े मारने की जो टेबलेट आती है वो आप ला सकते हो। उससे क्या होगा कि उसके शरीर के अंदर जब कीड़े रहते हैं तो ये सारा खुराक घोड़ा खाता है,
लेकिन उसके अंदर के कीड़े सब कुछ खा जाते हैं, तो उसका फ़ायदा घोड़े की बॉडी पर नहीं दिखता है। तो अगर आप ये गोली है जो कीड़े मारने की उसका यूज़ करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा रहेगा और पेट की समस्याएं भी बहुत ही कम आएगी। ये बच्ची है, ये उसी के लिए, उसको पता चल गया है कि मेरा खुराक तैयार हो चुका है। आइए रखते हैं। ये रख दिया है, वो मज़े से खा लेगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तेल खिलाने से क्या होता है कि कॉलिक की समस्याएं बहुत ही कम हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि कॉलिक की समस्या ख़त्म ही हो जाती है, और इसलिए एक टाइम तो तेल देना ही चाहिए। 100 ग्राम या 50-70 ग्राम, आपको जितनी आपकी पॉकेट मनी उसके हिसाब से आप तेल खिलाओ। तो थैंक यू मित्र, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं और भी वीडियो डालूँगा, जैसे कि घोड़े को चाल सिखानी हो कि वॉक, ट्रॉट, कैंटर, गैलप, तो वो कैसे सिखाए। काफ़ी मित्र बोलते हैं यार ये काम मुश्किल है, तो उसके लिए भी मैं टिप्स दे दूंगा कि किस तरीके से इसको वॉक, ट्रॉट, कैंटर, गैलप सिखाए। और जो घोड़ों को चोट लगती है या फिर कॉलिक की प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या क्या करें, खुर कैसे संभाले, वो मैं आगे वाले वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।